रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल बोतल, माचिस और बारूद भी। टकराई कालिंदी एक्सप्रेस, बड़ी साजिश, मचा हड़कम। देश में आए दिन ट्रेन हादसे देखने को मिलते रहते हैं और हाल के दिनों में तो जैसे ट्रेन हादसों की झड़ी लग गई हो। बीते रोज ही रविवार को बिहार में मगध एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। लेकिन इस बीच यूपी के कानपुर से बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की बड़ी साजिश की गई है। पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी बरामद किया है। कानपुर में रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे लाइन पर रखे भरे LPG सिलेंडर से टकरा गई, जिसके बाद तेज आवाज आई तो ड्राइवर ने ट्रेन रोकी, जिसके बाद जो नज़ारा दिखा तो सब हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही अनवरगंज स्टेशन के रेलवे अधीक्षक, RPF और अन्य रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर जांच की गई तो झाड़ियों में पुलिस को एक सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद जैसे कई घातक पदार्थ बरामद हुए हैं। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर RPF के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद थी। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया है उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम मिलाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसमें जो कार्रवाई होगी। फिलहाल कोई ट्रैक बाधित तो नहीं सर? ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रैक कोई बाधा नहीं। वही मामले को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि यूपी के कानपुर में एक महीने के अंदर ही दो ट्रेन हादसों की साजिश सामने आई है। इससे पहले बीते 17 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेलवे ने इस हादसे में भी साजिश की बात कही थी। उस दौरान भी पटरी पर किसी भारी चीज़ के रखे जाने की बात को कहा गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।